बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। अमित शाह आज दोपहर बाद चार्टर्ड फ्लाइट से पटना पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह पटना एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएंगे। राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। आज शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ कैबिनेट के अन्य सहयोगी भी शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह पटना एयरपोर्ट से राजभवन और फिर राजभवन से सीधे पटना एयरपोर्ट होते हुए दिल्ली रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए को बहुमत मिलने के बावजूद शपथ ग्रहण समारोह को बेहद सीमित रखा गया है। पिछले साल 2015 में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब पटना के गांधी मैदान में भव्य आयोजन हुआ था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए इसे सार्वजनिक स्थल पर आयोजित नहीं किया जा रहा है। राजभवन के राजेंद्र मंडप में राज्यपाल फागू चौहान नीतीश कुमार के साथ साथ उनके कैबिनेट के अन्य सहयोगियों के साथ शपथ दिलाने वाले हैं।